बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम साढ़े दस रखे इसे दुकान कर दें आई डी वीडियो शुरू के अंदर पहले एक छोटी जी गुजारिश करी बहन भी मेरे चैनल लास्ट सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल लास्ट वीडियो सब्सक्राइब कर लो तो बैल का बटन लाजमी प्रेस कर लो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो तेरे तक बार वक्त पहुँच रहे कर दें आई डी वीडियो शुरू आई डी वीडियो अपनी बहन भी मैं दिखावगा जो शाहिद भाई और आदि मैं घर में बना रहा वा ये कि चीज़ और किस तरह इस घर की सैटिंग जी की है जिस तकर काम पहुँच गया इस इतने तकर पहुँच गया इतने तकर इस वीडियो अपने बहन भी दिखाना वा मैं सीढ़ी किस जगह चढ़ानी है किचन बैठक वाशरूम और पीछे वाला कमरा उस बाद पीछे वाला वाशरूम और गैलरी सारा कुछ अपने बहन भी मैं अच्छे दिखाना वा तो मेरा नक्शा बनाया हुआ अपना ही नक्शा बनाया हुआ जिस तरह फ्रंट एलिवेशन मैंने ऐप तो चक्या वा बाकी नक्शा सा अपना ही बनाया हुआ तो ये सारा कुछ देख के भैन भाइयों ने मैं लाजमी अच्छा अच्छा कमेंट करके दसना वा कि अस मेरा जो नक्शा बनाया वा एक किस तरह का लग्या और तीन मरले दो मरले तो कुछ तरसाई आई है तीन मरले पूरे भी जगह नहीं है इस तीन मरले के इन्नी सारी सैटिंग की है तो सारे भैन भाइयों किस तरह की लगी। अच्छा जी शायद भाई उन्होंने घर का जोड़ा विजिट आ अपने भैन भाई मैं करवाना वा क्योंकि विजिट करवाना जरूरी हो गया चगाठा सारिया खड़िया हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह सर चगाठा खड़िया कर दती मैं तो यह जी जगह के उत्ते कई पई है यह पिलर 13 इंच का ला दिता नाल ही दीवार दे 4 इंच कछ ला के असी भी यदा गेट जोड़ा वा सामने रबल बोल्टा असं लावे 7 फुट 7.5 फुट का सा गेट लगना ये एक वाशरूम का रह गया जी ये मेन गेट तो अंदर एंटर होंद हो इस जगह तो साढ़े बनने स्टैप स्टैप जाके बैठक के अंदर चले जाना अस बैठक की चगाठ खड़ी हो गई है ये जो दरवाज़ा खुलना साढ़ा इस सैड तो इस सैड के उत्ते इस द्वार के नाल साढ़ा दरवाज़ा खुल के लगना है इस तो बाद अंदर एंटर होंद हो बैठक के नाल ही आ वाशरूम आ गया साढ़ा तो वाशरूम का दरवाज़ा भी ये वाशरूम है जी वाशरूम का दरवाज़ा भी इस तरह ही खुलना कि इस सैड के उत्तों इस सैड के उत्ते इस द्वार ना लगना जाके इस द्वार के नाल कब्जे लगे हुए है वीर चगाठ चेक कर लें मैं उन्होंने चगाठ से फर्क महसूस होंगे इधरली सैड तो इधरली सैड तो ना नहीं चगाठ ना मैं थोड़ी कुसी महसूस होंगी है क्या इस जगह मतलब सीधा कर लें उस तो बाद जी बाहर निकल के फिर आ जाती गैलरी सामने गैलरी है गैलरी भी देख सकते हैं कि चार पाई बड़ी खुली डुली हो गई चार पाई जी अंदरों गुजर सकती है उस तो बाद अगे आ जाता जी सब तो पहले किचन किचन की चगाठ जी वह भी लग गई है तो किचन का दरवाज़ा जोड़ा वा खोल के ऐसे द्वार के नाल लगना सामने कब्जे लगे थे सुराख लाए कब्जे ने लाए कब्जे के अच्छे लगाने हैं इस द्वार ना लग जाना वा ये एक छड़ी ऐसी विंडो आ जी ये विंडो साड़ी मुकम्मल ही जानी तां उपर तिकर और स्लैब ये जी किचन की उस द्वार तो लग के इस तरह और इस तरह इस द्वार के नाल सामने इतने तिकर आ जाएगी इतने तिकर स्लैब पैगी उस बाद उपर साड़ी विंडो जी ये रह गई थी बाकी यह जी काफ़ी भैन भाई ने कमेंट किया कि अस भाई जी मेली भाई के घर तुम छी छोटी जी विंडो हाल तो किचन के लाजमी छड़िया जी ये भी छड़ दिती है जी उस तो बाद अगे आ जाने बाहरली सैड तो फिर इस जगह के उपर असी बनाने हैं स्टैप किचन की चगाठ तो पिछली सैड के उत्ते असी स्टैप बनाने हैं भी किचन और हाल के गुजरद हो स्टैपा तो थले उपर ना होना पवे सीधे हाल के सीधे किचन के आया जाया जाए किचन तो बाद अगे स्टैप जोड़े तीन स्टैप जोड़े असं बनाने हैं मेन चगाठ तो अंदर एंटर होंद हो अगे आ जाना हाल हाल दे फिलहाल तो डबल पला ही लग्या वा लेकिन देखा डबल पला लगता 4 फुट का एक ही पला लगता साढ़ा ये अगर 4 फुट का एक ही पला लग गया तो इधरली सैड तो खोल के दरवाज़ा इस द्वार के नाल लग जाना उस तो बाद जी हाल दी मेन चगाठ तो अंदर एंटर होंद हो अच्छा जी हाल दे विच आके तो यह हाल है जी सारा 14x14 का साडा हाल है अगे भी अपने भैन भाई मशुरा पूछा सी भी सिहाल के सीढ़ी चढ़ानी है तो असी कि जगह चढ़ाईए तो अज फिर मुकम्मल टूर करवा रहे हैं
क्योंकि साड़िया जो चगाठा वा और चनाइया पाँच पाँच फुट तक लग गई हुई चार इंच की चनाई माशाला कि सोहनी लग रही है। गैलरी के चार इंच चनाई लाई है। अच्छा जी, एक हाल के आके अंदर प्रोग्राम साढ़ा तो यही फाइनल होया वैसे आ जी मेन चगाठ आ इस तो एक फुट पिछे छड़ के इतों सीधी सीढ़ी चढ़ाई उधर उपर उपरों इधरली सैड तो लै जाइए नाल नाल इतने आ जाएगी सीढ़ी सामने अगर रुक जाएगी क्योंकि 14 फुट यदि इधर सैड में लंबाई है तो अगर 4-5 फुट चौकी बच जानी यदि ठीक है जी। वो चौकी तो चौकी उत्थे तक चले जाएगी साड़ी उस तो बाद साड़ी ए जी दीवार आ रही है सीधी 4 इंची यदि सेहत में साड़ी जी दीवार आ यह उपर वाली सीढ़ी वाले कमरे की चली जाएगी। बाकी देखते हैं कोशिश करते हैं भी अल्लाह खैर करेगा। तो हाँ जी सीढ़ी जी असी चढ़ानी है जी इतों घर न बनानी है इस तरह की सीढ़ी कुछ जिस तरह अली भाई के घर बनी हुई है सीढ़ी टक्कां वाली थले भी टक तो उपर वाली साइड के भी टक जो स्टैप स्टैप चढ़ानी है और स्टैप बाय स्टैप इदा होने भी थले भी स्टैप होने उपर भी स्टैप होने उस तो बाद सीढ़ी तो बाद हाल के कमरे की चगाठ जी वह भी खड़ी हो गई है साड़ी यदि चनाई भी तकरीबन 5 फुट साड़ी लगी खड़ी है 2 फुट उत्ते चनाई रही साड़ी लगन वाली। कमरे के अंदर एंटर होंदे होया यह सारा कमरा जी कमरा साड़ा है 14/13 का उस कोन कारनर के भाभी कह रहे हैं कि सानू अलमारी बना के दिया जे सेफ अलमारी कपड़े वाली वो देखांगे उस तेगे ला के तो जो फाइनल हो गई सारी छत पैगी तेगे ला के उस कोने अलमारी ला देवे बना देवे तो वो जी अलमारी के पल्ले साढ़े लकड़ के लग जाएंगे। बैड जोड़ा वा कुछ इस तरीके आएगा इधरली सैड तो ढो आएगी बैड की तो इस सैड के उत्ते पवाने वाली सैड आएगी तो ड्रैसिंग इन्हें हो सकता इस सैड के उत्ते आए ज उस कोने ड्रैसिंग रखे अपनी। बाकी जे इस सैड के कमरे तो बाद चले जाने पिछे वाली सैड से जाने कि बैक सैड पर आ जाने असी बैक सैड की जी ए चगाठ लाई असी ये चगाठ का पला जोड़ा जी दरवाज़ा ये समझ लो भी जाली वाला ही लगना जाली वाला पला लावे दरवाजे भी इस्तेमाल होता रहेगा तो और विंडो के भी इस्तेमाल होता रहेगा। बाकी बैक सैड तो गली के आके आ जी असी बालकोनी छी है ये आके जी मोटर जी साड़ी उस सामने उत्तर कोने के अगे भी दसिया मैं पहले भी कई दफा दसिया कि मोटर उत्ते चक्की जानी है उस स्लैब पावे स्लैब पा के मोटर चक के उपर रख देवे गली के आके उस तो बाद अगे आ जाता जी वाशरूम वाशरूम की चगाठ भी साड़ी लागी हुई है तो यदि चनाई भी 5 फुट लागी हुई है। वाशरूम का डिसाइड करा बाद आके भी असी एक तो नहाने वाला चलाना वा एक जड़ा वा शावर लगना ये एक फ्लश लगना ज कमोड लाने यदा जोड़ा सेंक वो इतने बहर वाली सैड पर आ जाना वा सेंक कहते बेसन जोड़ा वो बेसन बहर वाली सैड पर आ जाना बेसन बाहर अंदर नहीं लगना है शीशा और बेसन जोड़ा वा इधर बहर वाली सैड तो इधर ही रहेगा दोनों चीज़ा शीशा भी तो बेसन भी इधर लगेगा इस सैड के उत्ते उपर वाला जोड़ा सा बनना वा वाशरूम वो पानी वाले पैपा वास्ते ए झरी असी छड़ दी नाल ही क्योंकि झरी छड़न का फायदा यही है कि बाद दीवारा जीडिया हिलनगियां नहीं क्योंकि पलंबर झरिया जो मारद है तो छानी थोड़िया नाल सारिया दीवारा हिल जाएँ इस करके झरी इस सैड की इधर छड़ दी है और जी फ्रंट वाली सैड है वह फ्रंट वाली सैड तो जाके तो उधर छड़ा कुछ पानी फ्रंट वाली सैड तो निकलेगा इस घर का तो कुछ इतों अंडरग्राउंड पैप पै जाएंगे अंडरग्राउंड निकलता रहेगा पानी। इस सारा घर का विजिट इस तो अपने भैन भाइयों ने करवाया क्योंकि सारे भैन भाई जिन्हें भी सानू देखने वाले है साढ़े सारे यूट्यूब फैमिली असं उन्होंने समझते हैं अपनी फैमिली समझते हैं तो फैमिली नाल ये गल्लां सारियां शेयर जिहड़ियां कीतियां वा जिदा जिदा साढ़े भैन भाई सानू कमेंट करते मशवरा देंदे आ तो उन्हां दा मशवरा मद्देनज़र रखदे होए जिथे जिथे साडी पमैश पूरी हुंदी आ उस उस जगह ते असीं अपनी पमैश जिहड़ी आ पूरी कीती जांदे आ। पिछली वीडियो दे विच मेरे च कमेंट आए सीगे आ जिहड़ी हाल दे विच और किचन दे विच जिहड़ी विंडो सीगी ये भी जरूरी छड़नी सीगी फिर एक वीडियो विच आए कमेंट कि एस भाई ए किचन विंडो एक लाजमी छड़िया जी ये विंडो छड़न साढ़े को जगह ही इन्नी बचती सी जी ए 2 फुट जगह बचती सी इत 2 फुट जी उपर लै जाएंगे इदा ही 2 फुट उपर ले जा के हो सकता कि दरवाजे उत्तों इनू इस तरह तह ले जा के
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਨ ਮਾਜ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੋੜ ਦਈਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲਨ ਮਾਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੀ 4 ਇੰਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਚਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਨੀਫ਼ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੇਰਾ? ਹੋਰ ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਝਰੀ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਪੈਪ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪੈਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।